हेलो फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मलाई कोफ्ता बनाऊंगी। आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए पहले हम उसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं कोफ्ते के लिए, जिसके लिए मैंने ये एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, एक टेबल स्पून मेथी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये 10-12 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, 2-3 हरी मिर्चा, ये 1 कप मलाई, 1/2 कप काजू, 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, ये घी या तेल जो भी आपको पसंद हो, और ये है सूखा धनिया 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी और ये थोड़े से खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, इलायची, लौंग और तेज पत्ता है। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये जो हमने खड़े मसाले लिए थे, खड़े मसाले में ये 2 तेज पत्ते, ये 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा था जिसको मैंने तोड़ लिया है, 4 छोटी इलायची है हरी इलायची और ये 4 लौंग, इसको हम डालकर थोड़ा सा भुनेंगे। अब साथ ही में हम इसमें ये प्याज, इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है, प्याज को भुनेंगे। ये अदरक और लहसुन भी हम ऐसे ही डाल लेंगे, हमें मसाले को बाद में पीसना है। थोड़ा सा हम इसको गुलाबी होने तक भुनेंगे। अब हम इसमें ये देखिए प्याज गुलाबी गुलाबी हो गए, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को हमें, बस उसका कच्चापन निकालना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और ये जो हमने काजू लिए थे 1/2 कप, इसमें से हम थोड़े से काजू बचा लेंगे तो बाकी हम इसमें डाल देंगे, ये हम फिलिंग के लिए रखेंगे। अब हम इसे टमाटर गलने तक पकाएंगे, इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए ग्रेवी के लिए जो हमने ये मसाला तैयार किया था ये भुन चुका है, टमाटर गल चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। जब तक चलिए, हम कोफ्ता बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये मैंने घर में ही पनीर बनाया है, ये करीब 150-200 ग्राम पनीर होगा। इसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं, आप कप से नापिए तो 1 कप पनीर है। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने मावा लिया है, अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसके बदले थोड़ी सी मलाई ले सकते हैं। ये फिलिंग के लिए मैंने काजू, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ी सी चिरौंजी ली है, ये इसकी हम फिलिंग करेंगे, और ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो हम इसमें मिक्स करेंगे और नमक। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये जो हमने पनीर लिया है इसको हम अच्छे से मैश करेंगे, इसको चिकना करना है हमें, हम कद्दूकस से कर लेते हैं इसको, ये जल्दी से आसानी से हो जाता है। ये मेरा घर का बना हुआ पनीर है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से हथेली से मैश कर लें, बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप भी मैश करें, जहाँ जहाँ छूट गया उसको फिर से दोबारा से कर लेते हैं। और ये जो मावा लिया है इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे, मलाई को आप ऐसे ही डाल दें, और ये जो हमने 2 आलू लिए थे उसको भी हम इसमें कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने से अच्छे से मैश हो जाता है, आप ऐसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें कि हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है वो मिला लेंगे। आपके पास कॉर्नफ्लोर है या आरारोट है, अगर ये भी नहीं है तो आप इसमें एक ब्रेड पीस डाल दीजिए, हमें बाइंडिंग के लिए कुछ तो चाहिए। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, हथेली से दबा दबा के इसको चिकना करेंगे जिससे कि इसमें गुठली ना रहे। ये देखिए मलाई कोफ्ते के लिए ये हमारा पनीर, आलू और कॉर्नफ्लोर का डो तैयार है। अब हमने जो ये फिलिंग का सामान लिया था इसको हम एक डोंगे में डाल के इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे
और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ये जो हमने मिक्सचर बनाया ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमको फिलिंग करने में आसानी हो जाए। अगर आप फिलिंग वाले नहीं बनाना चाहते तो आप ड्राई फ्रूट जो ये हमने मिक्सचर तैयार किया था इसको ऐसे ही डो में मिक्स कर दें। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। ये देखिए मैं कैसे कोफ्ते बना रही हूँ, आप भी ऐसे ही बनाएं। आपको जो भी साइज रखना हो वैसे बनाएं और जिस भी शेप में बनाना हो। ये थोड़े से बड़े ही बनते हैं जिससे कि इसको फिलिंग करने में आसानी हो। बस अब हम इसमें थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और इसको हम गोल कर देते हैं। गोल या ओवल जो भी शेप आप बनाना चाहें, इसको अच्छे से बंद कर दें और हल्के हाथ से इसको घुमाते रहें। ये देखिए कोफ्ता बनके तैयार है। मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा डो लेकर इसको चपटा करें और इसके अंदर ये फिलिंग रख दें। अब इसको बंद कर दें अच्छे से। उसको गोल ओवल जो भी शेप आप देना चाहें वो दे दें। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। पीछे कर लो। देखिए घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्ते एक साथ बहुत सारे नहीं डालना है। आप पहले एक कोफ्ता बनाकर देख लें, अगर वो नहीं फटता है तो ठीक है, अगर फटता है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला दें। ये देखिए हम ज़्यादा कोफ्ते एक साथ नहीं डालेंगे। इसको हम घी किनारे से डालेंगे क्योंकि कोफ्ते बहुत मुलायम है, टूटने का डर रहता है। ये धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ जाएंगे। आंच को मीडियम से तेज रखें क्योंकि इसमें सब चीज़ पकी हुई है, पनीर भी और आलू भी, कुछ पकाना तो है नहीं। ये देखिए बहुत बढ़िया कोफ्ते बन रहे हैं। अभी ये तैयार हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कोफ्ते बन के तैयार हैं। हमें इतना ही लाल करना है, ऐसे ही हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारी ये ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था ये भी ठंडा हो चुका है। इसको हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। तेज पत्ते हम इसमें से निकाल देंगे। और इसको हम फाइन ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मैंने ये जो मसाला बनाया था उसको एकदम फाइन पीस लिया है। अगर आपको लगे ये फाइन नहीं है तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन ये एकदम स्मूथ मसाला बना है। मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। पहले हम कढ़ाई में एक चम्मच थोड़ा सा घी डालेंगे। घी हमारा पहले इसमें डला हुआ है। अब हम इसमें ये ग्रेवी डालकर अच्छे से फिर से भूनेंगे इसको घी छोड़ने तक। ये सब हम इसमें से निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा घी छोड़ने तक हमें भूनना है इसको। ये देखिए मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है ये ग्रेवी में। अब हम इसमें ये सूखे मसाले जो थे ये सब मिलाएंगे। ये जीरा पिसा हुआ, देगी लाल मिर्च पिसा हुआ, धनिया और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमको ज़्यादा नहीं डालनी है। ये सब हम इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें ये जो हमने फ्रेश मलाई ली थी ये तो बहुत ज़रूरी है इसमें डालना क्योंकि मलाई कोफ्ता है, ये हम डालेंगे। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने आधा कप ली है, इसमें से थोड़ी सी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए।
ये देखिए मलाई डालने के बाद मैंने इसे 5-10 मिनट और भूना है। आपको घी छोड़ने तक इसको भूनना है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। आग को हम तेज ही रखेंगे। आपको जितनी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से पानी डालें, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, एकदम स्मूथ ग्रेवी बनेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी इसमें अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप जैसी ग्रेवी बनाना चाहें उतना पानी डालें। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि अभी हम ग्रेवी को 2-3 मिनट और पकाएंगे। बस इसमें मैंने करीब आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको 3-4 उबालने तक आने तक पकाएंगे। अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक हमेशा बाद में डालते हैं, क्योंकि पहले इसका अंदाज नहीं आता। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। और ये जो मैंने हरी मिर्च ली थी, ये भी हम काट के इसमें 2 टुकड़े करके डाल देंगे। आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो थोड़ी सी इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें केवल देगी मिर्च डाली है। बस हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, आधा चम्मच करी। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें। कसूरी मेथी हमेशा बाद में डालें, जिससे कि इसका फ्लेवर बना रहता है, लेकिन डालें जरूर कसूरी मेथी, का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये एकदम बनकर तैयार है। लेकिन कोफ्ते हम इसमें नहीं डालेंगे, ये कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब आपको खाना हो तभी सर्विंग प्लेट में कोफ्ते रख कर उसके ऊपर से ग्रेवी डालें। खाते समय ग्रेवी को गर्म करके कोफ्तों के ऊपर डालें। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर करें। मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।